हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि शैम्पू के जो खाली पत्ते होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकेगा मत। बहुत सारे रिव्यूज आपको बताऊंगी आज। उससे पहले हम एक टिप्स देख लेते हैं चूड़ियों को लेकर। तो देखिए, अभी त्यौहार है, त्यौहार का टाइम है और सभी बहनों ने हाथ भर भर के चूड़ी पहनी होंगी या फिर कंगन इस तरीके से पहने हुए होंगे, क्योंकि मेहमान घर में आए हुए होंगे। सबका मन करता है अच्छे से सज संवर के रहने का, या सब अपने मायके जा रही होंगी। तो प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम काम करते हैं घनी सारी चूड़ियाँ पहनकर। अगर हमारे घर में मेहमान होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सेवा पानी के लिए हमें खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपने खुद के भी काम करने पड़ते हैं, तो चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आपको करना क्या है, देखिए इस तरीके से कोई रबड़ बैंड हो मोटा वाला तो वो ले लेना है आपको और हाथ में पहन लेना है। आपकी चूड़ियाँ ऊपर की तरफ ही रहेंगी, नीचे नहीं खिसेंगी, चाहे आप आटा लगाओ या फिर कपड़े वॉश करो। अब बढ़ते हैं फ्रेंड अगले टॉपिक की तरफ जो मेन होने वाला है। देखिए, इस तरीके के हमारे घर में शैम्पू के पाउच यूज होते हैं और हम इन्हें यूज करने के बाद यानी कि इनका शैम्पू निकालने के बाद इनको फेंक देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोट किया है कि इसमें अभी भी बहुत सारा शैम्पू होता है? नहीं ना, क्योंकि हम तो जल्दबाजी में जितना शैम्पू निकलता है निकाल लेते हैं, बाकी से फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो इसके मैं बहुत सारे रिव्यूज आपको बताने वाली हूँ। एक एक शैम्पू देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, यानी कि सारे शैम्पू यूज किए हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा अभी भी शैम्पू बाकी निकला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन शैम्पू के पाउच को कट करेंगे और इन्हें ओपन कर देंगे, यानी कि इन्हें खोल देंगे। सारे पाउच हमें इसी तरीके से खोल लेने हैं। देखिए फ्रेंड, वैसे तो हम इन्हें कबाड़ में फेंक सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से कुछ निकलता है यानी कुछ शैम्पू यूज करने के लायक निकलता है तो वो यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि शैम्पू काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी सारे पैसे देकर आते हैं हम दुकानदारों को, तब हमें ये शैम्पू मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सारे पैकेट मैं इसी तरीके से खोल दूँगी, इसी तरीके से हमें खोल लेने हैं। और जो मैं इसके एक कचरा सा निकलेगा इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। इससे पहले आप सभी से एक विनती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आज की वीडियो में आपको एक भी टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। छोटे छोटे जुगाड़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और मेरे टिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारे पाउच इस तरीके से ये कट कर ली हूँ। अब देखिए इसमें बहुत सारा शैम्पू है, अगर आप नोट करेंगे ना तो इसमें काफ़ी सारा शैम्पू हमें मिलता है। तो इनकी तो बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम इस कचरे को देख लेते हैं जो हमने ये शैम्पू से कट किया है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे हाथ में शैम्पू अभी काफ़ी सारा इसमें से लग गया है। यहाँ पर देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए, ये जो पानी है इसमें काफ़ी सारे बबल आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस शैम्पू से हम काफ़ी सारी चीज़ों को वॉश कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको, और कैसे कैसे रीयूज करना है इसका वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड, ये जो पानी है इसको आप सिंक में डाल दीजिए या फिर कहीं पे भी डाल दीजिए, वहीं पर खुशबू आएगी, या फिर टॉयलेट बाथरूम में डाल दीजिए, वहाँ पर भी खुशबू आती रहेगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें लेनी है एक बोतल, और बोतल देखिए हमारे घर में बहुत सारी होती हैं, जो हमारे बच्चों की स्कूल बोतल होती हैं पानी पीने की, तो कहीं ना कहीं उनमें स्मेल आने लग जाती है अजीब सी, क्योंकि उसमें पानी रखा रहता है और यूज में आती रहती हैं वे, उनको हम ऐसे यूज करते रहते हैं, मोटा झोटा धोते हैं और उनमें कहीं ना कहीं एक बैड स्मेल से आने लगती है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इन्हें छोटा छोटा कट किया है, ये जो शैम्पू के छोटे छोटे टुकड़े थे इन टुकड़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया है। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा सा कट कर लिया ताकि ये बोतल में इजीली आ पाए। अब देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस बोतल में डाल लेना है, और अब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा शेक करेंगे। तो आप इसे एक दो मिनट के लिए इस तरीके से शेक कर दीजिए, इसमें जितनी भी काई जमी हुई होगी या मैल होगा या मतलब पानी की परत जमा हुई होगी, तो इन शैम्पू के टुकड़ों से वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और ये इजीली बाहर भी निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप बोतल भी इससे समय समय पर क्लीन कर सकते हैं। यूँ तो आप ढेर सारा साबुन सरप लगा के भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये एक जीरो कॉस्ट रियूज आइडिया है। अब देखिए फ्रेंड, इस बोतल को तो हम पानी से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पानी से मैंने वॉश कर लिया फ्रेंड, और काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है अभी बोतल में, और ये क्लीन भी हो चुकी है। तो ढेर सारी बोतल हैं आपके पास तो वो भी आप क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात आती है फ्रेंड इस पानी का क्या करना है। इसमें देखिए, अगर आपको लगे कि शैम्पू कम है तो इसमें एक दो
पाउच उठा के ना और थोड़े से घोल दीजिए। और इसमें देखिए आप देखिए क्या क्या धो सकते हैं, रुमाल धो सकते हैं, या इस तरीके से रबड़ होती हैं ये गंदी हो जाती हैं वो धो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रबड़ ली हुई है, दो रबड़ है मेरे पास और एक रुमाल है। आपके पास जितनी रबड़ हैं जितने रुमाल हैं वो सब आप इस पानी में धो सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, धोने के बाद ना इतनी प्यारी सी इनमें खुशबू आती है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, आपको सेंट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। तो कौन जानता था कि इन शैम्पू के पाउच में अभी भी काफ़ी सारा शैम्पू अंदर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप किचन के कपड़े भी इसमें धो सकते हैं, वो भी क्लीन हो जाएंगे। या फिर देखिए फ्रेंड, आगे हमारे पास ये वाला आइडिया है कि हमारे पास जो घर में कंघे कंघी होते हैं ढेर सारे, वो आप इसमें धो सकते हैं। जितने भी कंघे कंघी हैं आपके पास सब उठा लीजिए और इस तरीके से धो लीजिए। तो यहाँ पर मैंने दो कंघे उठाए हुए हैं और एक पुराना ब्रश लिया हुआ है, ये दांत साफ करने वाला, ये पुराना था। तो इन्हीं से मैं आज अपने जो कंघे हैं इनकी डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और मेन बात मुझे इसकी अच्छी लगी कि इसमें जो खुशबू आती है ना भीनी भीनी, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए, जो हमारे पाउच शैम्पू के होते हैं उन्हें आप फेंकिएगा मत। शैम्पू तो निकाल के आप यूज करेंगी, बाल धोएंगी, लेकिन उन पाउच को आप किसी डिब्बे में स्टोर करते रहिएगा। आप बाथरूम में एक डिब्बा रख लीजिएगा और उसमें सारे शैम्पू स्टोर करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अभी मैंने अच्छे से मसल दी है, बस हम इन्हें साफ क्लीन पानी से वॉश करके यूज में ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। आशा करती हूँ ये वाले आइडियाज भी आपको पसंद आए होंगे, इसके आगे भी टिप्स है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब ये पाउच जो बचे हैं इनका हम क्या करें, इनका तो बहुत ही अच्छा सा कमाल आपको देखने को मिलेगा, कैसे वो आप वीडियो में देखिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, इन सारे पाउच को या तो आप किसी डिब्बी में रख दीजिए या फिर इस तरीके से साबुनदानी में रख दीजिए और इसे रख दीजिए आप बाथरूम में या जहाँ पर भी आपकी सिंक है उस एरिया में रख दीजिए। और देखिए, जब भी कोई टॉयलेट से आएगा हाथ वॉश करेगा या फिर वैसे भी कहीं बाहर से आएगा हाथ वॉश करेगा, तो उसे बोलेगा एक शैम्पू का पाउच उठा के वो अपने हाथ क्लीन कर ले। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कितना सारा शैम्पू इसमें से निकला है और हमारे हाथ अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो इस शैम्पू के पत्ते से आप हाथों को क्लीन कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सारा शैम्पू इसमें से निकल जाता है। तो इस तरीके से आप शैम्पू के खाली पाउच को रीयूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, हमारे हाथ बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं।